उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस को चालान काटना महंगा पड़ गया। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारी पर फाइन कर दिया था। पुलिस की माने तो आरोपी बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था। चालान कटने से आहत बिजली कर्मी को इतना गुस्सा आया कि उसने पुलिस स्टेशन की बत्ती ही गुल कर दी। चौकी के लाइट का कनेक्शन कटने से नाराज पुलिस वालों ने आरोपी बिजली कर्मी को चौकी पर बैठा लिया और लाइट जोड़ने के बाद ही वापस छोड़ा। मौके पर उपस्थित चौकी इंचार्ज के मुताबिक बिना किसी पुख्ता कारण के थाने की बिजली काट दी गई, लिहाजा विद्युत कर्मी को तुरंत पुलिस वालों ने पकड़कर चौकी पर बैठा लिया और कनेक्शन काटने का कारण पूछा। लेकिन बिजली कर्मी संतुष्ट जवाब नहीं दे सका। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन किए जाने के बाद बिजली कर्मी अजीत कुमार को अपने कृत्य पर शर्मिंदा होना पड़ा और पुलिस चौकी का कनेक्शन जोड़ना पड़ा। बता दें कि पुलिस चौकी का कनेक्शन कटने के बाद चर्चा में आया चूहटा पुलिस चौकी उधारी के बिल्डिंग में चलता है। पुलिस विभाग के पास अपना निजी भवन न होने के कारण चूहटा पुलिस चौकी ग्राम सभा के पंचायत भवन से सालों से चलती आ रही है। फिलहाल बिजली विभाग पुलिस चौकी का कनेक्शन किन परिस्थितियों में काटी गई इसकी जांच में लगी है। रूटीन डे में चेकिंग हो रही थी, उसमें कुछ लोगों का चालान हुआ था। पता चला कि उसमें एक विद्युत कर्मचारी का भी चालान हो चुका है। इसी खार खाए हुए दिनांक 29/4/2020 को विद्युत कर्मचारी 9 लोग आते हैं, चौकी की बिजली काट दी जाती है। हम निकले चौकी से, 9 लोगों को पुलिस चौकी बैठाया गया, पूछा गया क्यों लाइट काटे हो। उन्होंने बताया कि एसडीओ साहब के आदेश हमने बिजली काटा है। लोगों को धारा 144 का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, चेतावनी देते हुए कुछ देर बाद सब कुछ चौकी से छोड़ा गया। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।